तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास सबका फेवरेट फोन है जो कि 35,000 रुपए में आता है और इसका नाम है iQOO Neo 7 Pro। अब भाई इसके कंपैरिजन में एक दूसरा फोन भी है जिसका हम रिव्यू कर चुके हैं, वो है OnePlus Nord 3। अब काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई OnePlus Nord 3 का अभी तो तूने रिव्यू करा था 12 दिन वाला, तो 15 दिन का इसका रिव्यू कैसे लेकर आ गया है? तो सिंपल सा आंसर है कि हमारी टीम बड़ी है तो अब हम मिल बांट के फोन यूज कर रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द हर फोन का रिव्यू मिल जाए और हम लेट ना, हमारी मेहनत सफल हो जाए। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, चैनल पर पहली बार है ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना हाथ धोकर। तो सबसे पहले इसकी पावर की बात करेंगे क्योंकि इसी के लिए मैंने इस पे 35,000 रुपए लगाए हैं। इसके अंदर मिलता है Snapdragon 8 Plus Genuine प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर हमने ऑलरेडी फ्लैगशिप फोनों के अंदर यूज करा है एंड भाई 35,000 रुपए में मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर मैं ये सेम प्रोसेसर देखूं तो किसी नए फोन में मिल रहा है 45,000 रुपए का, एंड आई थिंक मेरे को उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है Nothing Phone 2। अब इसके अंदर जो पावर है ना भाई, इसका प्रोसेसर का स्कोर काफी अच्छा है, अराउंड 12 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। बाकी जितना हमने इसे नॉर्मली चलाया ना डेली यूजेज में भाई, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी, स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलती है, इसकी रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है और इसके अंदर DDR5 रैम दी है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके UI के साथ उसकी थोड़ी बात करें तो यहाँ पर ब्लॉटवेयर आपको बहुत मिलता है, अब आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करने के बाद कोई पुश नोटिफिकेशन मेरे को नहीं मिली है। बाकी भाई यही थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और दूसरा ये भी है कि कभी कभी आपको UI के अंदर थोड़े से ग्लिचेस भी नोट हो जाएंगे, तो थोड़े बहुत बग हैं इस फोन के अंदर। और इस फोन के रिफ्रेश रेट के साथ भी मेरे को थोड़ा सा पंगा लगा, जैसे कि अभी मैंने 120 हर्ट्ज़ पे स्विच करा हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐप के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस ऐप को 120 हर्ट्ज़ में चलाना है, लेकिन जैसे मैं या कोई भी स्मार्ट स्विच पे इसे यूज करेगा तो यहाँ पर ऐप के ऑप्शन नहीं मिलते और मैक्सिमम ऐप ना आपकी 60 FPS में चलेंगी, जैसे कि व्हाट्सएप या आप यूट्यूब चलाओगे तो वो 60 FPS में चलेगा इस कंडीशन में। तो अगर आपको 120 FPS में चलाना है तो आपको 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी हैवी परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि भाई Snapdragon 8 Plus Genuine डाला है इसमें, तो सबसे पहले तो अगर आप कैमरा वगैरह इसके अंदर यूज करो तो फोन हीट नहीं होता। जनरली हमने देखा ज्यादा पावर जिस फोन के अंदर होती है कैमरा यूज करते हैं वो हीट होने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर चलें गेमिंग पे, तो गेमिंग में आपको सेटिंग्स बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की मिलती है एंड हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा गेमिंग करी है। आई डोंट थिंक कि भाई किसी दूसरे पर्सन ने इतनी गेमिंग करी है जितना हमने इसके अंदर कर दी है, डेली चिकन डिनर करे हमने इसके अंदर। सेटिंग्स अच्छी है, किसी भी सेटिंग्स पे गेम प्ले करो मजा ही आ जाएगा एंड भाई जैसे Nothing Phone 2 के अंदर सेम प्रोसेसर है उससे कहीं ना कहीं गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलती है, स्पेशली इंटेंस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सैम्पलिंग रेट भी तगड़ा मिलता है और जब बंदे एकदम सामने आ जाते हैं तो आप भाई आसानी से उन्हें भून सकते हो अगर आपकी स्किल्स थोड़ी सी बेटर है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर मॉन्स्टर मोड दिया है, अगर आपको थोड़ी ज्यादा ही हैवी परफॉर्मेंस चाहिए तो मॉन्स्टर मोड इनेबल कर लो, उसके बाद यहाँ पर गेम परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी फ्रेम इंटरपोलेशन मिलता है, अब फ्रेम इंटरपोलेशन से क्या है, आप भाई BGMI जैसे गेम को 120 FPS में प्ले कर सकते हो इसे इनेबल करके, बट यहाँ पर सीन ये है जब आप विदाउट इनेबल करे गेम प्ले करोगे स्मूथनेस मिलेगी, लेकिन जैसे आप इसे इनेबल कर लोगे और कोई इंटेंस सिचुएशन आती है तो वहां पर फ्रेम स्किप हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर फोन के साथ जैसे कि हमने iQOO के पुराने फोन में भी यूज करा है फ्रेम इंटरपोलेशन, तो भाई यहाँ पर मेरे को लगा कि थोड़ी सी दिक्कत है फ्रेम स्किपिंग की। बाकी जो हमने पुराने फोन यूज करे थे उनके साथ इंप्लीमेंटेशन उसकी काफी अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले एनहेंसमेंट का भी फीचर मिल जाता है। अब इसमें क्या है ना, जैसे आप इसे इनेबल करोगे कलर्स थोड़े से बूस्ट हो जाएंगे और शार्पनेस बढ़ जाएगी, लेकिन शार्पनेस के चक्कर में ना आपको डिस्प्ले पे ग्रेन्स आसानी से विजिबल होंगे, तो ये वाला फीचर मेरे को थोड़ा सा काम का नहीं लगा। बाकी यहाँ पर आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जैसे कि मोशन कंट्रोल। अब मोशन कंट्रोल मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है इसलिए मैंने यूज नहीं करा, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे करूंगा ना इतने तो सामने वाला बंदा मार के चला जाएगा मेरे को, तो ये मेरे को इतना पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने आज तक ये फीचर ज्यादा यूज नहीं करा। बाकी 4D वाइब्रेशन मेरे को काफी यूजफुल लगता है। तो यहाँ पर फीचर्स तो आपको गेम मोड के अंदर बहुत सारे मिलते हैं और जो गेम प्ले है वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा सॉलिड है इस फोन का इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड अगर मैं 11R देखूं जिसके अंदर भाई सेम प्रोसेसर मिलता है, उससे भी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है इस फोन के अंदर, तो ये चीज कही जा सकती है 50,000 के प्राइस ब्रैकेट में भी अगर मैं उठा के देखूं तो ये फोन सबसे तगड़ी गेमिंग प्रोवाइड करा रहा है। और इतनी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस है तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आ रहा होगा भाई हीट तो हो रहा होगा फोन, तो यहाँ पर भाई कमाल की बात तो ये है, अगर आप इंडोर अच्छे खासे एनवायरनमेंट में मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा ठंडी भी नहीं है उसमें गेम प्ले करते हो तो ये फोन बिल्कुल भी हीट फील नहीं होगा। अब हो सकता है ऐसा इस वजह से क्योंकि बैक में प्लास्टिक दिया है और थोड़ा सा लेदर लाइक टेक्सचर दिया है इस वजह से फील ना हो रही हो, लेकिन अगर आप भाई आउटडोर थोड़ा सा गर्मी में प्ले करोगे तो आपको फ्रंट डिस्प्ले से थोड़ा सा हीट फील हो सकता है, बट ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है, तो हीटिंग इश्यूज भी इस फोन के साथ नहीं है। और इसके अलावा एक बात और अच्छी लगी, जो इसके स्पीकर्स हैं वो गेमिंग के लिए अच्छे से ट्यून्ड है और नॉर्मल परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही स्पीकर्स की। बाकी अब टू द पॉइंट चलें इसकी डिस्प्ले पे, जहां पर मेरे को थोड़ी सी लगी कमी, इस फोन के बेजल चिन्ह अच्छे हैं, आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन भाई इसके अंदर डिटेल्स की मेरे को कमी लगी है और थोड़े से कलर कैलिब्रेशन की। जैसे कि अगर मैं सेम प्राइस सेगमेंट वाले फोन से देखूं तो हमने दोनों कंपेयर करा था, यहाँ पर HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए iQOO की डिस्प्ले कंट्रास्टी कलर शो करती है और नॉर्मल कंटेंट वॉच करते हुए इसमें मेरे को डिटेल की कमी लगी है, तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छे से
काम करता है। और भाई जो हैप्टिक्स इंटीग्रेशन है भाई आईकू ने काफी अच्छी करी है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत प्यारी मिलती है, तो वीवो को कुछ आईकू से यहाँ पर सीखना चाहिए। अब भाई गेमिंग फोन के अंदर जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो कैमरा में है, लेकिन भाई इस फोन के मैंने कैमरा टेस्ट करे, लाइक आईकू से मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आईकू के कैमरा अच्छे नहीं आ रहे थे, बट यहाँ पर इस फोन के कैमरे यूज करने के बाद लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फील हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक तो अल्ट्रा वाइड ऐड करा है नियो 7 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये प्रो है ना, इसमें अल्ट्रा वाइड डाल दिया है, और यहाँ पर जो ISP है वो भी चेंज हो जाती है प्रोसेसर की वजह से, एंड यहाँ पर ऑल ओवर जो कैमरा की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है। यहाँ पर हमने नोड से भी कंपेयर करा था, सेम सेगमेंट वाले फोन है दोनों, और भाई देखा कि आईकू नियो 7 के कैमरा ज्यादातर सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली फ्रंट कैमरा में तो कोई टक्कर नहीं है इसकी। एंड यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी मैं आपको इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ ये फोन, और नाइट फोटोग्राफी भी भाई इस फोन की ज्यादा सॉलिड है। तो प्राइस सेगमेंट में ये कहा जा सकता है कि अगर आपको ज्यादा तगड़ी पावर चाहिए विद अच्छे कैमरा तो मैं इसको इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है इस प्राइस सेगमेंट का। अब इस फोन की एक ऐसी चीज जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इस फोन में, वो है इसका डिजाइन। लाइक इसका डिजाइन देखो ना तो रिपीट हो रहा है, आईकू नियो 6 के अंदर सेम था, 7 के अंदर सेम मिला, 7 प्रो के अंदर भी सेम है। चलो 7 और 7 प्रो तो भाई भाई है, लेकिन 6 से चलता हुआ आ रहा है ये थोड़ा सा चुभता है। और ये ऑरेंज कलर भी कुछ नया नहीं है, आईकू नियो 6 में भी इन्होंने बाद में ऑरेंज कलर लॉन्च करा था, तो जिसके पास वो कलर है उसको तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इस बार आपको लेदर लाइक टेक्सचर मिलता है, सिर्फ यही है, बाकी यहाँ पर भी प्लास्टिक है, वहां पर भी प्लास्टिक थी। और इन हैंड फील की बात करें तो बस भाई टेक्सचर की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट फील हो सकती है, अदरवाइज जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल गेमर्स के लिए बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा फोन चौड़ा होता है और भाई इन हैंड फील थोड़ी सी आपको चौड़ी फील होगी, अदरवाइज भाई बिल्कुल सेम ही है तीनों फोन, और कवर लगा लोगे तो आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता सकते। तो यहाँ पर डिजाइन वाला और इन हैंड फील वाली चीज ना थोड़ी सी चेंज हो सकती थी, तो आई होप आईकू जब अपनी नेक्स्ट न्यू सीरीज निकाले ना उसके अंदर डिजाइन चेंज कर दे। बाकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी फील बताऊं ना, तो यहाँ पर जो लेदर लाइक टेक्सचर दिया ना थोड़ा सा पेपर की तरह फील करता है, मतलब मैंने लेदर लाइक टेक्सचर और भी फोनों के अंदर यूज करे हैं, जैसे कि मोटरोला एज 40 के अंदर यूज करा, वो ज्यादा प्रीमियम फील होता है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लास्टिक वाली फील देता है भाई। बट हाँ, इस फोन के अंदर जैसी परफॉर्मेंस है ना इसका बैटरी बैकअप भी वैसा ही मिलता है, मतलब काफी खतरनाक। हमारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमने 3 घंटे गेमिंग करी है और काफी ज्यादा सोशल मीडिया यूजेज भी करी है, उसके बाद भी 7 घंटे से ज्यादा का हमें स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन ने आसानी से दिया है। तो ये चीज कही जा सकती है अगर आप हैवी यूजर भी हो या नॉर्मल यूजर हो तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये आसानी से दे देगा। इसके अलावा भाई चार्जिंग में तो है ही कमाल, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि 30 मिनट में कंप्लीटली चार्ज कर देती है फोन को। तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप के मामले में इस फोन को मैं A+ दूंगा, क्योंकि बहुत ही सॉलिड मिला इन मामलों में तो ये फोन। बाकी आईकू की अपडेट रेगुलर आती है, इसके अंदर भी आपको 2 साल की मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, और इस फोन के अंदर भी कोई IP रेटिंग नहीं है, ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं। इसके अलावा जो कॉलिंग क्वालिटी है वो भी बढ़िया मिली है, नेटवर्क में कोई इशू नहीं मिला, चाहे सेलुलर नेटवर्क की बात करें चाहे वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें, वाईफाई 6 वगैरह भी इसके अंदर मस्त परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर नेटवर्क इशू भी इस फोन के साथ कोई नहीं मिला। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, इस फोन के अंदर मेरे को 2 ही चीजों की कमी लगी है, एक तो डिजाइन इसका रिपीट होता हुआ आ रहा है, एंड दूसरी चीज है भाई डिस्प्ले की शार्पनेस कम लगी है, अदरवाइज इस फोन के अंदर सारी चीज काफी कमाल की है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है ना काफी सारी चीजें अच्छी मिल रही है, एंड स्पेशली जो कि आजकल का यूथ है उनको अच्छी गेमिंग करनी है, अच्छे कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो सारी चीजें फोन ऑफर कर रहा है, बाकी बैटरी बैकअप भी भाई इसके साथ अच्छा मिल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा भी अब फेवरेट फोन बन चुका है, मैंने खुद के 35,000 रुपए लगाए इस पे, बाकी अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो, आपको भी सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको पूरे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचवीएन बॉक्स गाइस।